तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी के ये शब्द कि जीव जब किसी तीर्थ के अंदर जाता है तो उसको एक फल मिलता है, और उस तीर्थ के अंदर अगर प्रभु कृपा से किसी संत के दर्शन हो जाए तो उसके चार फल हैं, और अगर गुरु की कृपा से, संत की कृपा से सदगुरु के दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा कोई फल नहीं मिलता। आज इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज इस हरिद्वार की भूमि के अंदर, इस भारत की भूमि के अंदर, इस सनातन की ध्वजा को लेकर सबसे आगे खड़े हैं। आपके चरणों में समस्त सनातन भक्तों का, आपके चरणों में समस्त वैष्णव भक्तों का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। महाराज जी का सरल स्वभाव ही सभी रसिक भक्तों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेते हैं, और अपनी इस दीनता के कारण, इस करुणा के कारण भगवान और भक्त के अंदर कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार कोई भी जीव दुखी होने पर परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा के पास जाकर अपने सब दुख दर्द को फूल देता है, क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि परमात्मा उसे सुनेंगे। उसी प्रकार ही एक संत भी अपने उसी भाव से, अपने उसी चेष्टा से संपूर्ण भक्तों के, संपूर्ण रसिकों के इस दुख को दूर करते हैं और उनके हृदय के अंदर इस भक्ति के बीज को प्रस्फुटित करते हैं। ऐसे हैं संत स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। Thank you.